उत्तर प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवकों ने तिरंगा यात्रा निकालकर सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन हो लागू, तत्काल पूरी करवाने की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए आश्वासन को लागू करवाने समेत विभिन्न मांगों को के समर्थन में जीआरएस। जनपद बहराइच में ग्राम रोजगार सेवकों ने तिरंगा यात्रा निकाली। ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति के बैनर तले निकाली गई यात्रा। तिरंगा यात्रा के बाद रोजगार सेवकों ने सांसद अच्छेवर लाल गोंड व प्रयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी को 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा। जनपद बहराइच में तिरंगा यात्रा का कुशल नेतृत्व ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष पंकज मिश्रा द्वारा किया गया। रोजगार सेवकों ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर यात्रा की शुरुआत विकास भवन से की और इसके बाद सांसद आवास पहुंचे और सांसद अच्छेवर लाल गोंड को समस्या बताई तथा इसके बाद सभी प्रयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी के आवास पहुंचे और उन्हें मांग पत्र सौंपते हुए गुहार लगाई। 4 अक्टूबर 2021 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज ने रोजगार सेवकों का सम्मेलन बुलाया था। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की थी लेकिन विभागीय अधिकारियों ने उनकी घोषणाओं को फाइलों में दबा दिया। 2 साल समय बीतने के बाद भी शासनादेश जारी नहीं किया, जबकि जीआरएस के जॉब चार्ट में अन्य कार्य जोड़ने की घोषणा हुई थी। सेवा समाप्ति से पहले उपायुक्त मनरेगा की सहमति, एचआर पॉलिसी हिमाचल राजस्थान मध्य प्रदेश की तरह मानदेय वृद्धि शामिल था। कोविड के अतिरिक्त आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को सेवा में समायोजित किए जाने पर भी सहमति बनी थी। ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में 50% का आरक्षण देने, इसके अतिरिक्त दीपावली से पहले सभी ग्राम रोजगार सेवकों का बकाया मानदेय दिलाने आदि की मांग पत्र सांसद और विधायक को सौंपा। जनपद बहराइच के जिला अध्यक्ष पंकज मिश्रा ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो लखनऊ में विधानसभा के सामने आंदोलन किया जाएगा। हिमाचल और राजस्थान में रोजगार सेवकों को समायोजित करते हुए नियमितीकरण किया गया, वहीं मध्य प्रदेश में संतोषजनक मानदेय दिया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के 2 साल बाद भी ग्राम रोजगार सेवकों के हित में कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते समय से रोजगार सेवकों के मानदेय का भुगतान नहीं हो पाता, जिससे जीआरएस आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आर्थिक तंगी, विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते योगी सरकार में सैकड़ों की संख्या में ग्राम रोजगार सेवक आत्महत्या कर चुके हैं। एक देश एक मनरेगा योजना, फिर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मानदेय देकर ग्राम रोजगार सेवकों के साथ भेदभाव क्यों? कुछ राज्यों में जीआरएस का नियमितीकरण हो चुका है, पर उत्तर प्रदेश सरकार में जीआरएस इतना विवश है कि बकाया मानदेय के लिए भी आंदोलन करता है। ग्राम रोजगार सेवकों में सब के सब्र की सारी पराकाष्ठाएं लांघ चुकी हैं, इसलिए आर पार की लड़ाई लड़ने हेतु ग्राम रोजगार सेवक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आगामी महीने में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्राम रोजगार सेवक अनिश्चितकालीन धरना एवं शक्ति प्रदर्शन करने पहुंचने वाले हैं।